तो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा आपने, मंगरू अपने गांव से शहर आ चुके हैं मुल्ला जी से मिलने। और अब देखते हैं मुल्ला जी इनसे मिल पाएंगे या ये नहीं मिल पाएंगे मुल्ला जी से। तो नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। और भाई वाहिद, क्या हाल है? कैसे आना हुआ भाई? जी मौलाना साहब, सब बढ़िया है। बस अपने चाचा को लाए थे, थोड़ा इनको जो है ना रमजान के बारे में बता दीजिए। चाचा हमारे कुछ जानते ही नहीं है, इनको हम जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं बैठाल करके। अरे भैया, झूठ काहे बोला था यार, हम खुद आए हैं, तुम बता रहे हो कि जबरदस्ती लाए हैं। अरे चाचा यार, बोलो बेटा, माशाल्लाह सबक आपका हो गया है। और माशाल्लाह हमारे वाहिद भाई आए हैं, कुछ नाश्ता पानी भी होना चाहिए। जाओ कुछ लेकर के आओ वाहिद भाई के लिए हमारे। तो बकोया यूं बताओ यार, तुम्हारा नाम वाहिद है, यूं का आते बतायो गए नहीं यार। अच्छा, हमारा नाम जैसे गांव में है बड़काऊ, वैसे शहर में नाम है मैं वाहिद। अच्छा, दीदी नाम धरियो? दीदी नाम नहीं, हमारा नाम यूं असली है। एक बात बताई, मुल्ला जी हमका नेक बड़े लाग रहे हैं। नेक तो है, मैं दाल मोल बिस्कुट खवा रहे हैं। मैं चाचा यार, तुम हो बेइज्जती कर रही है। हम सुना है मुल्ला जी खाऊ पे होते हैं, सबसे खावत पिए थे। देखो सब थे जा, आइए वाहिद भाई, आ जाइए, नाश्ता पानी कर लीजिए, इतनी दूर से आए माशाल्लाह, थके हुए होंगे। अच्छा, तो हमका ढकेलत है। और बताइए क्या हाल है? जी सब बढ़िया, ठीक ठाक है, कारोबार ठीक है? अरे यार, खाने के लिए खाने दीजिए, माशाल्लाह बेचारे थके हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं, सारी चीज। अच्छा, नीचे पाँव रखो, देखो मौलाना साहब बैठे। अरे बेचारे बुजुर्ग हैं, थके मंदे रहते हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। चाचा लीजिए लीजिए, माशाल्लाह आप ही के लिए, ये नोश फरमाइए, बात कर लो। वाहिद भाई, वाहिद भाई लीजिए, खाओ चाचा, मऊआ हमार भाग ना जाए। ये लीजिए पानी ले लीजिए, माशाल्लाह बहुत थके हुए हैं आप लोग। पानी ले चाचा, गर्मी भी हो रही है शिद्दत की ना। चाचा गिलास मा ले ना। ये लीजिए लीजिए। अरे नहीं डांटिए ना भाई, उनको बुजुर्ग हैं। अरे हमको बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह कि आप आ गए वाहिद भाई, काफी टाइम हो गया, काफी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई। और कभी कभी याद भी आती थी कि क्या बात है, क्या मसला हो गया कि वाहिद भाई हमारे कहाँ हैं, मुलाकात नहीं हो रही, ऐसे आते थे, हाल अहवाल दे के चले जाते थे। सब ठीक ठाक है ना? हाँ मौलाना साहब, सब ठीक ठाक है। चलिए इनका समझा दे। अरे वाहिद, बातें कर रही जी हो यार तुम, मुल्ला जी यू बताओ, यू रमजान का होती है? अरे क्या नाम है आपका? मंगरू। मंगरू, अच्छा चलिए कोई मसला नहीं है। रमजान का जो महीना है ये बाबरकत महीना है, रहमतों का महीना है, गुनाहों को नेकियों में बदलने का महीना है। ये यू का हो तो गुना, गुनाह जो हम कर देते हैं, बदतमीजी कर ली, माँ बाप को गलत सलत कह लिया, बच्चों पे तंबीह की, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो हमसे हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है ये गुनाह है क्या। जैसे वैसी कुमारी थे हम लोग। हाँ भाई, जानवर है वो आपको दूध दे रहा है, आपको नफा पहुँचा रहा है, और हम उसके बदले में उसको नुकसान दे रहे, तो एक तरह का गुनाह है। जानवर है भाई, जानवर की तरह रहेगा। लेकिन ससुरी दूध तो नहीं देते हो? अरे वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने जितना रिस्क लिया है मुकद्दर में उतना मिलेगा आपको, और उसमें भी आप अगर मारे कूटेंगे तो वो कुछ नहीं होने वाला है। क्या बात तो है। हाँ। तो चीजों को समझने की जरूरत होती है। अब रही रमजान, आप बता रहे हो जो गुनाह, तो ये गुनाहों को झाड़ने का महीना है। झाड़ना समझते हैं, कपड़ा गंदा हुआ गढ़िया दिया गर्दा साफ, इसी तरह से ये बहुत ही पाक साफ महीना है, ठीक है? हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। सब 30 दिन के रोजे होते हैं और तरावी होती है, तिलावतें होती हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं। हाँ तरावी, ये भी नहीं पता आपको? नहीं। अरे मौलाना साहब, इनका कुछ नहीं मालूम है, यू बस खाली अपनी भैंसिन का मारा थे, 2 लीटर दूध देते हैं इनकी भैंसी, तो यू सगरे पूरे गांव में गाते। अरे तो इनका अच्छी तरीके से थोड़ा सा दीन से तालीम दीजिए। वाहिद भाई, दीन से दूरी है इस वजह से ऐसा हो रहा है, और ये इकलौते ऐसे नहीं है, ये पूरी आवाम का माहौल बन चुका है माशरे में, कि लोग दीन को कम तरजीह दे रहे हैं दुनिया के मुकाबले में, दुनिया को ही दीन समझ लिया लोगों ने। अरे मुल्ला जी बड़काऊ बातें कर रहे जी हैं, तो उनका रमजान के बारे में तुम बता दो। अरे भैया बिल्कुल, मौलाना साहब हम अभी आते हैं, थोड़ा हमारा काम आ गया। ठीक ठीक ठीक, हो जाओ, जब तक इंशाल्लाह हम इनको कुछ बातें सिखा देंगे तो उस पे इंशाल्लाह काम हो जाएगा। चलो चाचा चल लें, और तमीज से रहे हो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सेकंड एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर बेल आइकन को ओपन कर लिए, दबा लिए, जिससे कि वीडियो आ सके आपके पास। सब्सक्राइब का बटन भी दबा लिए, जी हाँ। और जो थर्ड एपिसोड है वो कल ही आएगा, जी हाँ, वो एकदम लास्ट एपिसोड है और मजा आ जाएगा आपको, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, शेयर कर दिए वीडियो हर जगह पर।